हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं अंडा किस दिन बनेगा ये कैसे पता लगाएं, वो भी बिना डॉक्टर के पास जाए और घर पर बिना किसी खास ट्रीटमेंट के, बिना किसी खास इंस्ट्रूमेंट के हम केवल सिम्टम से कैसे पता लगा सकते हैं कि आज या अगले 24 घंटे के अंदर हमारा ओवुलेशन होने वाला है। यस, तो देखिए आज की जो भागा दौड़ी की लाइफ है इसमें हस्बैंड एंड वाइफ दोनों बड़ी एज में शादी करते हैं जिससे हॉर्मोन्स कम होते हैं, अंडे की लाइफ कम हो जाती है और अक्सर जब वो अंडे की लाइफ के बीच में जब वो जिंदा है उस समय रिलेशन नहीं बनाते तो वो बेचारे कई कई महीने तक, यहाँ तक कि कई बार कुछ सालों तक परेशान होते रहते हैं और उनको कंसीव नहीं होता। जबकि दोनों ही हस्बैंड वाइफ की सारी रिपोर्ट्स सही होती हैं, तो आप देखिए आपने छोटी छोटी बातों को पहचानना है, छोटे छोटे सिम्टम्स को पहचानना है और कोशिश करके जो हम बताने जा रहे हैं उसी दौरान आपने रिलेशन बनाना है। जब आपका ओवुलेशन होने वाला होता है तो जनरली अगर आपका पीरियड साइकिल 28 के आसपास है, 28 दिनों के आसपास है, तो पीरियड के बीच वाले दिनों में एक पीरियड इधर दूसरा पीरियड इधर, तो उसके ठीक बीच वाले दिनों में आपको ओवुलेशन होता है। लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है कि जिसका पीरियड साइकिल 28 से बड़ा है उसको भी बीच में होगा और जिसका बहुत छोटा है उसको भी बीच में होगा, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली ये पीछे से जो ये पहला पीरियड शुरू हुआ है ये अगला पीरियड है, इस अगले पीरियड से -14 डेज के आसपास आपको ओवुलेशन होता है। तो एक तो आप अपने पीरियड साइकिल की लेंथ को पहचानिए कि दो पीरियड्स के बीच में कितने दिन का गैप रहता है और आने वाले पीरियड से -14 के आसपास आप अलर्ट हो जाइए। दूसरी चीज, ये कैलेंडर मेथड है जो हम आपको अभी बता रहे हैं ये सबके ऊपर सही नहीं बैठता, लेकिन आपने इससे सिर्फ एक टेंटेटिव आइडिया लेना है। दूसरा, जब आपके ओवुलेशन होने वाला होता है उस समय अंडे का साइज 18 मिलीमीटर हो चुका होता है और वो रप्चर होता है। जब वो रप्चर होता है तो आपको थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज होने लगता है, पहले हल्का बिल्कुल पतला पानी जैसा होता है, फिर वो कच्चे अंडे के वाइट जैसा होता है, जैसा वाइट योक येलो वाला नहीं वाइट हिस्सा वैसा होता है और धीरे धीरे वो बिल्कुल कहना चाहिए कि स्टिकी हो जाता है। तो इस समय आपका ओवुलेशन खत्म हो चुका है, लेकिन जब वो हल्का पानी जैसा डिस्चार्ज आपको आने लगा है उस समय वो शुरू हुआ है। तो इट मीन्स जब शुरू हुआ है उससे लेके और खत्म होने के बीच में कभी आपको 24 घंटे की विंडो मिलती है, कभी आपको 48 घंटे की मिलती है और कभी आपको 30 घंटे की, तो कभी आपको 10 घंटे की ही विंडो मिलती है। तो उससे आप एक टेंटेटिव आइडिया लगा सकते हैं कि यस अब ओवुलेशन होने वाला है। लेकिन जो बेस्ट मेथड है वो क्या है, अगर आप किट की हेल्प से भी जाते हैं तो उससे भी आपको एक तरह की किट्स मार्केट में ऐसी आती हैं जो कि आप देखेंगे अंडा फूटने से जस्ट पहले जो हार्मोन बढ़ता है उसको बताती हैं, जबकि दूसरे टाइप की किट्स ऐसी आती हैं जो कि अंडा फूट चुका है उसके बाद जो हॉर्मोन्स बढ़ते हैं वो उनको बताती हैं, तो आपके लिए वो भी मुश्किल हो जाता है। तो जो बेस्ट मेथड रहता है वो होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर। बेसल बॉडी टेम्परेचर मतलब आप अपनी वेजाइना का टेम्परेचर लीजिए, क्योंकि जब ओवुलेशन होता है तो आप टेम्परेचर मेथड के हमारे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, पूरी एक प्लेलिस्ट है, आप टेम्परेचर मेथड वाली प्लेलिस्ट को जिससे कि हमने बताया है ओवुलेशन कैसे ट्रैक करें उसको अच्छे से देखिए। जिन दिनों ओवुलेशन होता है और पीरियड के क्योंकि सेकेंड डे से ओवुलेशन नेक्स्ट वाले अंडे का बनने का जो काम है वो शुरू हो जाता है, तो आप थर्ड फोर्थ या फिफ्थ डे से, डिपेंड करता है कि आपका पीरियड साइकिल छोटा है या बड़ा। छोटा साइकिल है तो आप सेकेंड डे से शुरू कर दीजिए, बड़ा साइकिल है तो
थर्ड या फोर्थ डे से आप शुरू कर दीजिए अपने बेसल बॉडी टेम्परेचर को नोट करना, जिसके लिए आपने सुबह उठते ही वॉशरूम जाने से पहले आपने वेजाइना में थर्मामीटर रख के आपने एक मिनट बाद उसका टेम्परेचर लेना है और उसको रोज लिखना होता है। तो जिस दिन आपको लगे, क्योंकि बीच में क्या होगा, पहले दिन के बाद जब आप रोज ले रहे हैं तो कभी टेम्परेचर इंक्रीज होगा कभी डिक्रीज होगा, आपने इससे वरीसम नहीं होना, इससे घबराना नहीं है। आपने देखना है कि जिस दिन वो पूरा 1 डिग्री फारेनहाइट पड़ गया वो आपका ओवुलेशन डे है। अब क्योंकि इस मेथड से होता क्या है कि आपको केवल मॉर्निंग में ही एक ही बार टेम्परेचर नोट करना होता है, और अगर आपने मॉर्निंग में देखा आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ नहीं था लेकिन आफ्टरनून में वो अपने आप बढ़ा, ओवुलेशन हुआ और रात को खत्म भी हो गया, तो आपको नेक्स्ट डे आपको ओवुलेशन का पता नहीं चलता। तो आपने ऐसा जब रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, आप 2-3 मंथ तक आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका उन दिनों में थोड़ा सा क्रैम्प भी हो रहे होंगे, आप देखेंगे थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर 1 डिग्री भी बढ़ा हुआ होगा, आपको लिक्विड डिस्चार्ज भी आ रहा होगा। तो आप केवल उसी दिन क्या करें, रिलेशन बनाएं। बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो आपको सलाह देते हैं कि आप एक दिन छोड़ के आप ऐसे रिलेशन बनाएं अल्टरनेट डे पे। देखिए, अगर आपकी एज यंग है, स्पर्म काउंट बहुत अच्छा है, ओवुलेशन की लाइफ भी बहुत अच्छी है, तो आपके ऊपर ये वाला सिस्टम वर्क कर सकता है। लेकिन अगर आपकी एज थोड़ी सी ज्यादा है, हॉर्मोन्स कम बन रहे हैं और ओवुलेशन की एज लाइफ छोटी हो चुकी है, तो ऐसे केस में अगर आपने एक दिन पहले रिलेशन बनाया है, उस दिन नहीं था ओवुलेशन, फिर एक दिन आपने छोड़ दिया और नेक्स्ट डे बनाया, तो आपका स्पर्म काउंट कम हो जाता है। स्पर्म काउंट कम होने से फिर आपको सक्सेस नहीं मिलती, तो इसीलिए हम आपको कहेंगे कि आप एक दिन छोड़ के एक दिन ना बनाए, ऑड इवन के चक्कर में ना पड़े। जिस दिन ओवुलेशन है उसी दिन आप 6-7 घंटे के अंदर 3 बार रिलेशन बनाए, हर बार थोड़ा सा प्रिकॉशन ले कि 10 मिनट तक लेटे रहे, फिर उसके बाद आप उठ के अपना काम करें। तो आपने ध्यान देना है, इससे आप पहचान सकते हैं कि आपका ओवुलेशन डे कब है। और अगर आपको लग रहा है कि आज आपका ओवुलेशन डे है, तो आपको उस दिन, अगर आप वर्किंग है दोनों और आपको छुट्टी लेनी पड़ती है, तो आप छुट्टी लीजिए। आप इस चीज का इंतजार मत करिए कि हम रात को रिलेशन बनाएंगे, इससे भी आपका ओवुलेशन खत्म हो चुका होता है। तो अगर आपको हमने मॉर्निंग का टाइम बताया, तो आप मॉर्निंग में ही क्या करिए, छुट्टी लेके रिलेशन बनाइए और सक्सेस लीजिए। हैप्पी प्रेगनेंसी।